अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फहीम रहमान फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ जायदाद नेटवर्क। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट DHIV ग्रीन फेज़ 8 की। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसकी असल लोकेशन की तरफ। गाइस, ये जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा कर्सर, तो IV ग्रीन जाने के दो फेमस पॉइंट्स जो हर एक बंदा जानता है, वो एक रिंग रोड। तो रिंग रोड से इसको दो एक्सेस लगती हैं, एक एयरपोर्ट के सामने वाला इंटरचेंज और दूसरा नवाज शरीफ इंटरचेंज। जो एयरपोर्ट के सामने वाला इंटरचेंज, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से लेके इधर इस पॉइंट तक टोटल 5.2 किलोमीटर रास्ता बनता है, और यहाँ पे एक टी जंक्शन बनती है जिससे हम लेफ्ट हों तो ये 3.4 किलोमीटर का रास्ता है जो सीधा जाता है इसकी एंट्रेंस वन पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नवाज शरीफ इंटरचेंज से। तो ये जब हम नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास आते हैं गाइस, तो यहाँ से जब हम निकलते हैं ये हमारा आ जाता है DHA ऑफिस। फेज़ 8 हमारे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे फेज़ 6 है। तो जैसे ही हम आगे आते हैं यहाँ से फेज़ 7 स्टार्ट हो जाता है। ये फेज़ 7 का हिस्सा है और ये फेज़ 8 का एस ब्लॉक है। यहाँ जैसे ही रोड एंड होती है, थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट होते साथ ही यहाँ पे एक टी जंक्शन बन रही है गाइस, जो टी जंक्शन हमें एग्जैक्ट इधर लेके आती है गेट नंबर 2 पे। और नवाज शरीफ इंटरचेंज से गेट नंबर, ये मेन एंट्रेंस तक इसका रास्ता 8 किलोमीटर्स का, जो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स की ड्राइव है दोनों इंटरचेंजेस से। तो गाइज, लोकेशन तो इसकी बहुत अच्छी है। चलें आएँ अब इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट पे थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 31 मार्च 2015 में DHA ने इसका प्लान किया था। तो उसके बाद वर्किंग करते करते अब 2021 आ गया और ऑलमोस्ट मार्च आने वाला है, एक मंथ छोड़ के मार्च वहाँ हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको 6 ईयर्स हो जाएंगे। 6 ईयर्स में इसके क्या क्या काम हुआ है इसमें और कितना हुआ है, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ मैप पे वो भी दिखाऊंगा, और साथ साथ आपको रेट और ये भी बता दूंगा कि किस जगह पे रेट ज़्यादा हैं या कम है और कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। फ्रेंड्स, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो नेटवर्क ऑफ रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और तेज़ी से जो थोड़ा बहुत काम रह गया है वो तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये आप साथ वीडियो में देख रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम मेन एंट्रेंस की बात करें, मेन एंट्रेंस से जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये हमारे सामने कमर्शियल दे दिया हुआ है DHA ने, जो हमें बड़ा हेल्प आउट करता है और इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। ये Z1 में कमर्शियल है, और जैसे Z1 एंड होता है तो ये राउंड अबाउट आता है, राउंड अबाउट के साथ ही उन्होंने Z2 का कमर्शियल दे दिया। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा माउस का कर्सर इस पे घूम रहा है, ये कमर्शियल था। सो गाइस, अब हम बात करते हैं Z1 की और इसमें प्राइजेस और प्लॉट साइजेस की बात करते हैं। गाइस, अगर हम Z1 के प्लॉट्स की बात करते हैं तो Z1 में DHA ने दी हुई हैं एक कनाल की कटिंग, ये देख सकते हैं आप सारी, ये एक कनाल की कटिंग्स हैं, और साथ दी हुई हैं 10 मरला की कटिंग। 10 मरला की कटिंग ग्रिड स्टेशन के पास आती है, और HT लाइन जिसे हम कहते हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन, ये इसके पास से गुजर रही होती है। जो रेट है एक कनाल का वो 175 से लेके 2 करोड़ के बिटवीन यहाँ पे रेट चल रहा है इस टाइम, और जो 10 मरला का रेट है वो 75 से लेके ये 85 की ब्रैकेट में जाता है। और यहाँ पे रोड्स का काम पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं Z2 में इन्होंने कमर्शियल दिया हुआ है, कमर्शियल के साथ इन्होंने 2 कनाल की कटिंग दी हुई है, और 2 कनाल की कटिंग के अंदर इन्होंने 1 कनाल की कटिंग दी हुई है। ये वाहिद ऐसा ब्लॉक है जिसमें 2 कनाल और सिर्फ 1 कनाल की कटिंग है, और इसके अलावा और कोई छोटी कटिंग नहीं है, और इसको इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। 2 कनाल की कटिंग के अंदर 10 मरले 1 कनाल की कटिंग दी हुई है, और 1 कनाल की कटिंग के फेसिंग पार्क भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक डाउटेड जो काम है वो यहाँ पे HTV लाइन है, जिसकी वजह से रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। ये HT लाइन 132 किलोवाट की है, जिसमें हाई वोल्टेज करंट गुजर रहा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करें तो जो कमर्शियल है वो हमें मिल जाता है 3 to 3.5 करोड़ के बिटवीन, और 2 कनाल के जो प्लॉट हैं वो 275 से 3 करोड़ के बिटवीन, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड एरिया। और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 175 to 2 करोड़ के बिटवीन आपको यहाँ पे मिल जाता है।
सो गाइस, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये ग्रिड स्टेशन के पास किस तरह से लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक वायर्स गुजर रही हैं यहाँ से। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देता है इसके ब्लॉक के बारे में, मगर इसकी वजह से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से प्लॉट की प्राइस तो कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल लोकेशन इतनी अच्छी है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। मूव टू Z3। Z3 में हमें ये ग्रिड स्टेशन के साथ 5 मरल की ये कटिंग इन्होंने दी हुई है बड़ी प्यारी सी करके, और ये बाउंड्री भी लग जाती है, यहाँ पीछे बाउंड्री वॉल आ जाती है, और उसके आगे उन्होंने 10 मरल की ये एक दी हुई है बटी, यहाँ पे भी 10 मरला और 5 मरला की बाउंड्री के साथ दी हुई है। 10 मरला को बेसिकली इन्होंने कोशिश किया कि ये दरमियान में फिक्स करें और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट इधर क्रिएट किया जा सके। पार्क्स दिए हुए हैं जो बहुत अच्छा है, ये 90 फीट का रोड है, कोई बात नहीं, इसमें से HT लाइन चल रही है 132 kV की, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे आपको अगर 10 मरले में प्लॉट चाहिए होगा तो ये आपको 70 के प्लस माइनस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस टाइम में, और अगर आप 5 मरला में इधर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस जगह पे जहाँ पे ये मकसद घुमा रहा हूँ या इन एरियाज़ में, तो यहाँ पे आपको 35 to 45 के बिटवीन प्लॉट मिल जाता है। तो गाइज, अब आगे चलते हैं, ये स्कूल आ गया, इन्होंने ये स्कूल के लिए जगह छोड़ी हुई है, और स्कूल के बाद ये जो सी इसकी ये जो लेन्स हैं 10 मरला की, इन 10 मरला की लेन्स का रेट इस टाइम 85 के पास मिलेगा आपको, 82, 85, 87 इस ब्रैकेट में आपको इन लेन्स में आपको प्लॉट मिल जाएंगे, और अगर आप नीचे वाली लेन्स में आते हैं तो इन लेन्स में आपको 75 to 80 के बिटवीन मिल जाते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक और भी है, यहाँ पे इस जगह पे गाइस एक दरबार है जिसकी वजह से इन प्लॉट्स के रेट कम हैं। तो मेरी ओपिनियन ये है कि इन फ्यूचर DHA इस दरबार को उठा के या तो इस जगह पे मूव कर देगा या इसको कहीं हो और जगह पे शिफ्ट कर देगा। तो अभी इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको प्लॉट सस्ता मिल जाएगा, और जैसे ही पोजेशन मिलेगा तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। गाइस, आगे मूव करते हैं तो आगे इस जगह पे भी 80 to 85 आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, और फिर यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाता है, ये हॉस्पिटल, फिर ये पार्क, इस सेक्टर शॉप का उन्होंने एरिया दिया हुआ है, और ये एक किनाल की इन्होंने ये बेल्ट है एक किनाल की, जिसमें सिर्फ 18 ही प्लॉट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक किनाल का रेट ऑलमोस्ट 175 से 2 करोड़ के बिटवीन आपको यहाँ पे एक किनाल का प्लॉट मिल जाता है, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। और 10 मरला की अगर हम बात करें तो वो इस एरिया में भी 75 to 85 के बिटवीन आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो गाइज, ये हमारा Z3 हो गया, लेट्स मूव ऑन Z4। Z4 बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है Z4, और इसकी एक वजह ये भी है कि ये देखिएगा आप, 10 मरला के अंदर इन्होंने 5 मरला की कटिंग दी हुई है, और तीनों तरफ इसको कवर किया हुआ है 10 मरला की कटिंग से, जो कि बहुत अट्रैक्टिव फील होता है। ये जो 5 मरला की कटिंग है, यहाँ पे भी रेट ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको 35 तक एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है 35 to 40 के बजट में, और जो 10 मरला है वो आपको सेम रेट ही चल रहा है यहाँ पे, 83, 84 में आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है, और किनाल का भी सेम रेट ही चल रहा है इन जगह पे। वीडियो में आपको साथ साथ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, रोड्स इधर के कंप्लीट हैं, इंशाल्लाह इसको पोजेशन जल्दी मिल जाना है। और इसी तरह अगर हम बात करें ये नीचे वाले एरिया की तरफ, तो यहाँ पे जो रेट है ना, यहाँ पे रेट थोड़ा सा कम है क्योंकि बाउंड्री के पास आ जाता है, यहाँ पे आपको 33, 34, 35, और अगर आप कॉर्नर का जो होगा बिल्कुल बिल्कुल जो बाउंड्री के साथ लगा हुआ होगा, वो आपको 33 में आराम से यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। ये 5 मरला की कटिंग है, इसके साथ ग्रेवयार्ड आ जाता है, तो ग्रेवयार्ड होने की वजह से इस वाली जो बेल्ट है, ये वाली जो सी जहाँ पे आपको ये मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, इस वाली बेल्ट में ये फेसिंग इन जगह पे थोड़ा सा रेट कम होगा, यहाँ पे आपको 30 तक का 5 मरला प्लॉट इजीली मिल जाएगा। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन Z5। Z5 में अगर हम नेटवर्क की बात करें तो वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक वाटर टैंक बना हुआ है DHA का, इस पे वर्किंग तेज़ी से वो स्टार्ट की हुई है, मशीनरीज अंदर लगी हुई हैं,
आपको नज़र आ रहा होगा। काम इसका जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं और DHA चाह रहा है कि बाकी ब्लॉक्स के साथ साथ इसको भी साथ ही पोजीशन दिया जाए, इसलिए इस जगह पे काम तेज़ी से हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे भी रोड नेटवर्क नहीं बन सका, तो गाइस इस जगह इन जगहों पे प्लॉट आपको बाकी ब्लॉक्स की निस्बत सस्ते मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू Z6। Z6 वन ऑफ द फेवरेट ब्लॉक ऑफ माइन। यहाँ पे कनाल की कटिंग्स आप देख सकते हैं, ये लेंस, और कनाल के अंदर 10 मरलास, 10 मरलास के अंदर 5 मरलास, और 5 मरलास के सामने 7 मरला की कटिंग, और ये बहुत ही मज़ेदार कटिंग है। जो 7 मरला के रेट हैं यहाँ पे, वो आपको 32-37 के बिटवीन आपको मिल जाते हैं। 5 मरला अगेन वही 35-35 तक आपको यहाँ पे मिल जाता है, और 10 मरला की जो प्राइस है वो 70 के राउंड अबाउट है इधर भी। और जो किनाल की है वो 175 से 2 करोड़ के बिटवीन आपको मिल जाती है, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है। और पार्क आप देख सकते हैं, 50 किनाल्स का पार्क इधर DHA ने दिया है। और अगर हम Z6 के ऊपर वाली साइड पे आएंगे, ऊपर वाली साइड पे ये कमर्शियल की इन्होंने कटिंग दी हुई है, जहाँ से कमर्शियल मार्केट स्टार्ट होती है, और यही इसकी Z6 की एंट्रेस भी आप कहला सकते हैं, ये सेकंड एंट्रेस आप इसको कहते हैं। सो गाइस, अब बात ये है कि मैंने अब आपको मैप पे तो दिखा दिया है और आपको वीडियो भी साथ दिखा दी है, चलें अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इसके नियर ब्लॉक्स जो उनसे हैं उससे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी एक साइड पे फेज 8 का S ब्लॉक लगता है और दूसरी साइड पे फेज 7 का P, Q और T ब्लॉक लगता है। तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाने में इजी हो जाए। गाइस, अगर आप इधर किनाल के प्लॉट की बात करें फेज 8 में, तो वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ को टच कर चुका है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट। जबकि आपको यही प्लॉट IVY में 175-2 करोड़ में मिलता है, और जैसे ही पोजीशन मिलेगा तो इसने भी फौरन जंप करके इसके इक्वल आ जाना है। और अगर हम बात करते हैं P, Q और T ब्लॉक्स की, तो यहाँ पे भी 10 मरला का जो रेट है इन ब्लॉक्स में, P, Q और T, और कमर्शियल की बात करें तो ये क्वाइट हाई देन IVY। तो अगर आप थोड़ी सी 2-2 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप IV ग्रीन्स में इन्वेस्ट करें। पोजीशन के साथ साथ लोकेशन आइडियल है, आप इधर रह भी सकते हैं, अपने लिए घर भी बना सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सिक्योरिटी आपको इधर 24/7 मिलेगी, हाईली रिकमेंडेड है। डिज़ाइन इसका आउट क्लास है, टोटली डिफरेंट है बाकी ब्लॉक से, और रोड नेटवर्किंग इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। सो गाइज, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट हेयर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, मज़ीद किसी भी चीज़ की मालूमात के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।